रायपुर रेलवे स्टेशन के तेलघानी नाका रोड के पास आबकारी विभाग नई शराब दुकान और आहाता खोलने जा रहा है। पिछले दिनों विभाग ने इसका सर्वे कराया। ये बात सामने आते ही स्थानीय लोग इसके विरोध में आ गए। स्थानीय पार्षद के साथ बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोगों के समर्थन में विधायक कुलदीप धुनेजा भी पहुंच गए। व्यापारियों का कहना है कि यहां बीच बाजार में धार्मिक स्थल है, स्टेशन दुकान और सब्जी बाजार है, दिन भर लोगों का आना जाना रहता है। इतनी व्यस्त जगह शराब दुकान खुलने से यहाँ का माहौल खराब होगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी, इसलिए शराब दुकान कहीं और खोली जाए। अगर दारू भट्टी या आता खुलेगा तो उससे बहुत हमारे व्यापार में असर पड़ेगा। रोज सुबह हम दुकान खोलने आएंगे, कोई ना कोई हमारे दुकान के सामने गिरा हुआ पड़े। माता बहने यहाँ पर गुरुद्वारे जाती है, मंदिर जाती है, शिव जी का मंदिर यहाँ सामने में, और इसी के सामने में अगर आता खुलेगा तो कितना घोर अन्याय है। दारू का मामला, दारू दुकान खुलने का चल रहा है और जहाँ सामने जो है खुलने के चल रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे विरोध में हैं। हमारा कहना है कि यहाँ नहीं खुलना चाहिए, हम यहाँ की जनता के साथ हैं निश्चित रूप से। और जनता जो चाहती है, जनता की जो मंशा है, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। अगर जनता चाहती है कि ना खुले तो हम लोग चाहेंगे आना इस तरह किसी भी हालत में यहाँ शराब दुकान और आता ना खुले। तो बता दें आपको, रायपुर रेलवे स्टेशन के तेलघानी नाका रोड के पास आबकारी विभाग नई शराब दुकान और आहाता खोलने जा रहा है। पिछले दिनों विभाग ने इसका सर्वे कराया। ये बात भी सामने आते ही स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरह से आबकारी विभाग अब नई दुकान खोलने जा रहा है, शराब दुकान आहाता खोलने जा रहा है, आखिर क्यों? जब वहां पर राहगीरों के रहने की जगह है, दुकानें हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, तो आखिर क्यों यहां पर खोला जा रहा है, कहीं और क्यों नहीं? जी बिल्कुल, देखिए रितु जी, अभी अभी जो वर्तमान पर वहाँ पर शराब भट्टी, अंग्रेजी शराब दुकान, वो बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने पर लगी हुई है और काफी पुरानी शराब भट्टी, लेकिन अब वहाँ पर प्रस्ताव आया कि वहाँ पर उस शराब भट्टी को बंद करके दूसरी जगह खोला जाएगा। और काफी समय से जो पुरानी शराब भट्टी थी उसका भी विरोध कर रहे थे स्थानीय लोग, स्थानीय व्यापारी लोग। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वहाँ का माहौल खराब हो रहा है, वहाँ पर हमारी माताएं बहनों का दिन भर का आना जाना लगा हुआ रहता है। तो फिर वहां से शराब भट्टी हटाते हुए आबकारी विभाग सोचा कि थोड़ा आगे पर वहां पर आता और शराब भट्टी का नया ठेका लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भी एक विरोध चल रहा है। वहां पर भी स्थानीय लोगों का, स्थानीय व्यापारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर हमारी सब्जी मार्केट रहती है, गुरुद्वारे हैं, यहाँ पर अलग अलग समुदायों की मंदिर है और सब कुछ है, धार्मिक स्थल है, तो इस तरीके का यहाँ पर अगर शराब भट्टी खोली जाएगी तो यहाँ पूरा माहौल दूषित हो जाएगा। और इसी के चलते कल से लगातार विरोध चल रहा है वहाँ पर, व्यापारी संघ के लोगों का चल रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता है कुछ वहाँ पर, और जो वहाँ पर स्थानीय लोग है वो है, और उनके समर्थन पर वहाँ के उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा भी सड़क पर उतरे थे, वहाँ के जो वार्ड पार्षद है सुरेश चंदावार वो भी वहाँ पर उतरे हैं, और स्थानीय लोगों का समर्थन करते हुए कुलदीप जुनेजा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर यहाँ पर स्थानीय लोग ये चाह रहे हैं कि अगर शराब भट्टी यहाँ पर ना खोली जाए तो यहाँ पर किसी भी हाल पर यहाँ पर शराब भट्टी नहीं खोलने दिया जाएगा। आबकारी विभाग की इसमें कुछ प्रतिक्रिया आई है प्रदर्शन के बाद से? जी बिल्कुल नहीं, उस वक्त तो कुलदीप जुनेजा विधायक वहां से कह रहे थे कि वो बुलाए जा रहे हैं, उनको उनसे चर्चा की जाएगी और जो भी होगा यहाँ पर इन्हीं के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, स्थानीय लोगों के पक्ष में। उसके बाद से तो अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है, आगे और विस्तृत जानकारियां मिलनी बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी को साझा करने के लिए।